उत्तर प्रदेश के दिन भर की खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने 35 लाख युवाओं, छात्राओं और यूपी की जनता और हिंदुओं के लिए कई सारे बड़े और महत्वपूर्ण ऐलान कर दिए हैं। जानेंगे सभी जानकारी को, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दिए, साथ ही कमेंट में अपने जिले या गाँव का नाम जरूर बताए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार यूपी के 35 लाख युवाओं को देगी स्मार्टफोन टैबलेट। 3600 करोड़ बजट जारी, जानिए कब और कैसे मिलेगा। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने की प्रक्रिया जुलाई से फिर शुरू होगी। इसकी तैयारी योगी सरकार ने कर ली है। बताने की आज स्मार्टफोन और टैबलेट की खरीद के लिए कमेटी की बैठक हुई। यूपी डेस्को के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अगले एक हफ्ते के अंदर रेट फाइनल कर लिया जाएगा। इसके बाद जून के तीसरे से चौथे हफ्ते के बीच कंपनियों से स्मार्टफोन और टैबलेट की सप्लाई मिलने लगेगी, जिसे जुलाई में बांटने की शुरुआत की जाएगी। वहीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल और डिप्लोमा के छात्र फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा कौशल विकास मिशन के तहत ट्रेनिंग करने वाले युवाओं को भी स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बार जो स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाएंगे वो अभी तक वितरित किए गए स्मार्टफोन और टैबलेट से ज्यादा अपग्रेडेड होंगे। इस बार युवाओं को जो स्मार्टफोन दिए जाएंगे उसमें बैटरी की क्षमता बढ़ाई गई है। पिछली बार दिए गए स्मार्टफोन में बैटरी की क्षमता केवल 400 mAh ही थी। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के विकास मॉडल ने छोड़ी छाप, जम्मू कश्मीर की टीम मुआयना के लिए पहुंची यूपी। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। यूपी ही नहीं, देश भर में लोग उनके कार्यों की सराहना करते हैं। अब सीएम योगी के कार्यों का जम्मू कश्मीर भी कायल हो गया है। बता दें कि आज वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ की व्यवस्था का श्री माता वैष्णो देवी के दरबार इतना कायल हो गया कि बाबा धाम की व्यवस्था को देखने के लिए बोर्ड के सदस्यों को काशी विश्वनाथ भेजा है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अपने 4 सदस्यों को काशी भेजा है। बताने की योगी सरकार के सुशासन और काशी मॉडल की चर्चा पूरे देश भर में है। वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद से काशी में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। क्या दोस्तों आप लोग भी काशी देख चुके हैं, कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में फिर बदलेगा महागठबंधन, इस बार कांग्रेस भी होगी शामिल, अखिलेश यादव ने बदला रुख। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। दरअसल कर्नाटका में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी के सभी दिग्गजों ने पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार किया लेकिन पार्टी को जीत नहीं दिला सकती। हालांकि कांग्रेस की इस जीत के बाद कई बीजेपी की विरोधी पार्टियों के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम पार्टियां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ देने का संकेत देने लगी हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले नए गठबंधन की अटकलों पर विराम लगाते नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बीते महीनों में कांग्रेस के पुराने गढ़ रहे अमेठी और रायबरेली में भी उम्मीदवार उतारने के संकेत दिए थे, लेकिन अब उनके सुर बदले हुए नजर आ रही हैं। सपा प्रमुख पर कर्नाटका चुनाव के रिजल्ट का रंग चढ़ने लगा है, उनका रुख अब कांग्रेस को लेकर नरम होते नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी हत्या के प्रयास के मामले में दोषमुक्त, गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला। दरअसल जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को एक मामले में बड़ी राहत मिली है। आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है। वर्ष 2009 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली में मुख्तार पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में राहत के बाद भी माफिया का अभी जेल से निकलना संभव नहीं होगा। बताने की एमपीएमएलए कोर्ट की अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत में मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस प्रयास के मामले में बहस पूरी कर ली गई। देश के 6 राज्यों में 100 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, लखनऊ में सुपारी किलर के घर पर छापा। यह उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की। इस कड़ी में दिल्ली एनसीआर में 32 और पंजाब में 65 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी टेरर, ड्रग तस्करों और गैंगस्टर के नेटवर्क से जुड़े मामले में की जा रही है। आज सुबह ही दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान भी किया था कि जितने भी ड्रग सप्लायर हैं सबको खत्म कर दिया जाएगा। वहीं लखनऊ में अब यूपी के सुपारी किलर विकास सिंह के लखनऊ के पार्क व्यू अपार्टमेंट में छापेमारी की गई है। विकास सिंह माफिया ड्रग डीलर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का खास शूटर था, वह पूर्वांचल के बड़े माफिया का भी करीबी है। तो दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ के इस कार्य के लिए एक लाइक जरूर कर दें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर मंदिर में समिति का फरमान, हाफ पैंट, मिनी स्कर्ट और कटी जींस पहन कर न आए बालाजी मंदिर।
जी हाँ, बताने को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर के प्रसिद्ध बालाजी मंदिर में कमेटी ने श्रद्धालुओं से मंदिर में हाफ पेंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, काटी फटी जींस पहन कर नहीं आने की अपील की है। यह भी कहा है कि यदि ऐसे कपड़े पहन कर आए तो बाहर से ही दर्शन कर मंदिर कमेटी का सहयोग करें। वही मंदिर के दान पत्र के पास लगाया गया यह नोटिस चर्चा का विषय बना हुआ है। नोटिस के माध्यम से मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि सभी महिलाएं एवं पुरुष मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहन कर ही आए। क्या दोस्तों मंदिर का यह फैसला आपको पसंद आया, कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव वरिष्ठ अधिवक्ता जफराब जिलानी का निधन। जी हां, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव वरिष्ठ अधिवक्ता जफरान जिलानी का आज निधन हो गया। वो काफी समय से बीमार चल रहे थे, निशात हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। द केरल स्टोरी जैसे यूपी की बरेली फाइल्स, पंडित शंखधार ने 78 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया फिर प्रेमियों से कराई शादी। जी हां, इस समय सुदीप्तो सेन की द केरल स्टोरी फिल्म चर्चा में है। इसे दिखाया गया है कि कैसे आतंकी संगठन आईएस से जुड़े लोग हिंदू और ईसाई लड़कियों को निशाना बनाते हैं, फिर उन्हें इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है और सीरिया भेजते हैं। डायरेक्टर इसे सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बताती है। इसके उलट एक सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली में भी चल रही है। यहाँ मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया जा रहा है, फिर उनके हिंदू प्रेमियों के साथ उनकी शादी करवा दी जाती है। बताने की धर्मांतरण और शादी का यह काम मढ़ीनाथ के अगस्त मुनि आश्रम के आचार्य पंडित के शंखधार करवाती हैं। क्या दोस्तों आपको के शंखधार का यह कार्य अच्छा लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में युवकों ने किया बच्चा चोरी, कार से आए थे युवक, भेलपुर स्थित रामचंद्र शुक्ला चौराहे पर सोया था दंपति। जी हां, बता दें कि वाराणसी शहर में भेलपुर थाना क्षेत्र के रामचंद्र शुक्ला चौराहे के पास सड़क किनारे सो रहे दंपति के बच्चे की चोरी का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि इस समय बच्चा चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में दिख रहा है कि चार पहिया वाहन से आए युवकों के द्वारा बच्चा चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। आप भी ध्यान से ऊपर फोटो में देखें। घटना प्रकाश में आने के साथ ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। फांसी दो के नारों के साथ सड़कों पर हुजूम, लाठीचार्ज से भागदड़, शाहजहांपुर में क्यों बिगड़ा जानिए माहौल। दरअसल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के तिलहर में शुरू हुआ सोशल मीडिया पर अमर्यादित धार्मिक टिप्पणी का मामला आज सुबह होते ही और तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। बड़ी संख्या में समुदाय विशेष के लोग एकत्र होकर जुलूस निकाल रहे हैं। बाजारें बंद करा दी गई हैं। जुलूस में शामिल लोग अमर्यादित फोटो पोस्ट करने वाले को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। कई बार समझाने के बावजूद जुलूस थाने की ओर जाने लगा तो पुलिस लाठियां भाजकर भीड़ तितर बितर किया। बताने की से भगदड़ जैसी स्थिति हो गई है, इलाके पुलिस छावनी में तब्दील हो गए हैं, माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। वहीं एसपी एस आनंद, एडीएम राजस्व, एसपी सिटी सहित शाहजहांपुर, मदानपुर एवं तिलहर सर्किल की भारी संख्या में फोर्स भीड़ को काबू करने में लगी हुई है। लखनऊ में सपा नगर पंचायत अध्यक्ष के घर पकड़ी गई बिजली चोरी, कटा कनेक्शन, मुकदमा दर्ज। जी हां, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लेसा ने सपा से नवनिर्वाचित अमेठी नगर पंचायत अध्यक्ष के घर 10 किलोवाट बिजली चोरी पकड़ी है। आवासीय परिसर में कटिया लगाकर 5 एसी चल रहे थे। वहीं खदरा में बिजली चोरी पकड़ने पर निर्वाचित क्षेत्रीय पार्षद ने जमकर बवाल किया। नाराज समर्थकों ने बिजली अभियंताओं को खदेड़ दिया। ठाकुरगंज के तोपखाना में बिजली बकायेदारों ने कनेक्शन काटने पर हंगामा किया। विभाग ने कुल 91 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश के गांव में इस साल बनेंगे 6,458 खेल मैदान, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का बड़ा ऐलान। जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी दी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। खेलकूद से संबंधित आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 6,458 खेल मैदान बनाए जाएंगे। वहीं मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में 6,458 खेल मैदान बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। मनरेगा खेल मैदान को मनरेगा पार्क के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के शहरों में सभी मकानों और प्रतिष्ठानों की पूरी जानकारी ऑनलाइन मिलेगी, जाने मकसद। जी, योगी सरकार हाउस टैक्स की चोरी रोकने के लिए शहर में बने सभी मकानों और प्रतिष्ठानों का ब्यौरा ऑनलाइन कराने जा रही है। इसमें यह बताया जाएगा कि कौन सा मकान कितने क्षेत्रफल में बना है और उससे कितना हाउस टैक्स मिल रहा है। इसके साथ ही यह भी पता चला जाएगा कि कितने मकानों से अभी हाउस टैक्स की वसूली नहीं हो पा रही है। इसका मकसद हाउस टैक्स की चोरी को रोकने के लिए ही 100% वसूली भी करना है।
केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यों को हाउस टैक्स की वसूली अनिवार्य कर दी है, इसीलिए योजनाओं में निकायों की हिस्सेदारी तय की गई है। इसके बाद भी निकाय न तो 100% वसूली करते हैं और न ही इसकी जानकारी देते हैं। निकाय जीतने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए झूठी भाजपा, 4 रैलियों को पीएम मोदी भी करेंगे संबोधित। जी हां, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव जीतने के साथ ही भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। चुनाव 2024 की तैयारी को जोरदार आगाज करने जा रही है। इस दिन से प्रतिदिन कम से कम 2 लोकसभा क्षेत्रों में बड़ी जनसभाएं होंगी। 1 महीने में सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की जाएंगी। इनमें से 3 या 4 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इन रैलियों को केंद्रीय मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, शरीके नेता संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय राय ने जानकारी दी है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक कार्यक्रम व अभियान की रूपरेखा खींची गई है। LIC ने दिया जोर का झटका, 1 साल में लोगों के 25,000 करोड़ रुपए डूबे। जी हां, सरकारी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टर्स को तगड़ा झटका दिया है। LIC के शेयर 1 साल पहले 17 मई को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए थे और बीमा कंपनी के शेयर 949 रुपए के इश्यू प्राइस से फिलहाल 40% डाउन है। LIC का मार्केट कैप करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए घट गया है, यानी LIC की IPO में पैसा लगाने वालों को 2.5 लाख करोड़ रुपए का झटका लगा है। वहीं LIC के शेयर 17 मई 2023 को 568.90 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। 27 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, गाजियाबाद में अंधड़, कानपुर मथुरा में छाए बादल, 2 दिन तक रहेगा साइक्लोन मोका का असर। जी हां, उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने लगा है। साइक्लोन मोका का वेस्टी यूपी में 48 घंटे तक असर रह सकता है। इसको लेकर मौसम विभाग ने 27 जिलों में आंधी पानी का अलर्ट जारी किया है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बागपत, बरेली, बदायूं, आगरा, मथुरा, मुरादाबाद, अमरोहा, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, हाथरस, मुजफ्फरनगर, रामपुर, फिरोजाबाद, एटा, शारजाह, मैनपुरी, शामली, बिजनौर, इटावा, औरैया, फरकाबाद, नजीबाबाद, ये सभी जिलों में आंधी पानी का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी पुलिस ने पहली बार पकड़ी 300 करोड़ की ड्रग्स, 9 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें कि स्वाट टीम ने 9 विदेशी नागरिकों को आज गिरफ्तार कर 300 करोड़ की ड्रग बरामद की है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में ड्रग की फैक्ट्री संचालित हो रही थी। फैक्ट्री को विदेशी नागरिक चला रहा था। बता दें कि ग्रेटर नोएडा से विदेश में भी ड्रग की सप्लाई की जा रही थी। इससे पहले दिल्ली और मुंबई पुलिस उत्तर प्रदेश में ड्रग्स पकड़ चुकी है। पहली बार यूपी पुलिस के हाथ ड्रग की इतनी बड़ी खेप लगी है। दोस्तों, यूपी पुलिस के लिए 1 लाइक जरूर कर दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो यूपी खबर जानकारी को अभी सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें।